बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में ब्रेड के साथ सिंपल स्वीट डिश। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे मिल्क 3 कप, शुगर लेंगे 4 टेबल स्पून, आप अपने मुताबिक मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। लाल शरबत लेंगे 3 टेबल स्पून, लाल शरबत सबके घर मौजूद होता है। ब्रेड के स्लाइस लेंगे 7, बर्फी लेंगे 3 टेबल स्पून, ड्राई खजूर लेंगे जिनको हमने स्लाइस में छोटा छोटा काट लिया 3 टेबल स्पून, कोकोनट लेंगे 3 टेबल स्पून। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अब हम पतीली में मिल्क ऐड करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुगर ऐड करेंगे, ये देखिए अब हम बर्फी ऐड करेंगे और थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे। ड्राई खजूर भी ऐड करेंगे और कोकोनट भी, और थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेंगे। और ये हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे और थोड़ा सा मिल्क जो हमने बचाया था वो लेंगे, और जिस डिश में डिश आउट करना है वो लेंगे। स्लाइस के हम 4 पीस कर लेंगे एक स्लाइस के, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें स्लाइस के पीस कर लिए हैं। अब इसको हम दूध में डीप करके डिश में डिश आउट कर लेंगे जिस डिश में हमने डिश आउट करना है। आप इस डिश को डिफरेंट स्टाइल से डिश आउट कर सकते हैं। 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। इसी तरह हम सब स्लाइस को दूध में डिप करके डिश में लगा लेंगे। ये देखें सारे स्लाइस को हमने डिश आउट कर लिया है। और दूसरी तरफ हमारा मिल्क भी रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट में हमारी स्वीट डिश रेडी हो गई। आप भी अपने घर में बनाएं और सब एंजॉय करें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें हम अब इसको डिश में डाल रहे हैं जिसमें हमने स्लाइस डाले थे। इस तरह डालें मिल्क कि आपके नीचे स्लाइस तक मिल्क जाए और सारे स्लाइस में मीठा एक जैसा हो। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे। आप किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं।
अब हम लाल शरबत ऐड करेंगे, जिसे डेकोरेट कर लेंगे डिफरेंट स्टाइल से। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये देखें मजे की स्वीट डिश रेडी है। आप भी अपने घर जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक जरूर दें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप किसी भी तरीके से डिश आउट कर सकते हैं। आप इसे जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ज्यादा मजे का बनेगा, लेकिन मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। क्योंकि अभी इतना ज्यादा ठंडा नहीं हुआ, जितना ज्यादा चिल ठंडा होगा उतने ज्यादा मजा आएगा खाने में।